सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से कुपोषण पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, कुपोषण जो आज जो है बहुत सारे देशों का एक गंभीर समस्या बन चुका है। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कुपोषण होता कैसे है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिशु होते हैं, अगर शिशु के आहार में उन्हें मिलने वाले पोषण में विभिन्न पोषक पदार्थों की अगर कमी आ जाए तो निश्चित ही वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। अगर देखा जाए कि जो उन्हें आहार मिलता है उसमें उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं, फैट्स, विटामिन्स आदि उचित मात्रा में मिल रहा है कि नहीं। यदि बच्चा जो है 1 वर्ष की आयु से कम है, अगर शिशु 1 वर्ष की आयु से कम है और उसके आहार में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी हो जा रही है तो उसे मरास्मस जैसे कुपोषण होने की प्रबल संभावना है। जबकि अगर बच्चा, अगर शिशु 1 वर्ष की आयु से अधिक है तो अगर उसके आहार में प्रोटीन की मात्र प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो निश्चित ही वो क्वाशियोरकर जैसे कुपोषण का शिकार हो सकता है। ये हम सभी लोग, यह जो कुपोषण का प्रकार है मरास्मस और क्वाशियोरकर, इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग जो है, तो कुपोषण जो है वह जो है दो तरह का होता है, मरास्मस और क्वाशियोरकर। ठीक है, आइए हम लोग जो है अंतर के माध्यम से जो है इसके विषय में गहराई से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है मरास्मस में। यह प्रोटीन तथा कैलोरी, ठीक है, दोनों की ना एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है। मरास्मस जो है यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की जो है एक साथ अगर जो है अल्पता कमी हो जाती है तो, ठीक है, शिशु को कौन सा कुपोषण हो सकता है? मरास्मस। जबकि क्वाशियोरकर में हम लोग देखते हैं कि यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें कैलोरी से मतलब नहीं है, इसमें जो है निश्चित ही किसी मतलब प्रोटीन की अल्पता से। जबकि मरास्मस में जो है, ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट दोनों की बहुत ही कमी हो जा रही है। आइए दूसरा अंतर देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायः यह 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में होता है। जो मरास्मस है यह 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में होता है। अगर 1 वर्ष से शिशु कम आयु का है और उसमें जो है प्रोटीन और एनर्जी कैलोरी की कमी हो जाती है तो निश्चित ही वो मरास्मस का शिकार हो जाएगा। और जबकि जो है क्वाशियोरकर में क्या है कि प्रायः यह 1 वर्ष से अधिक आयु के शिशुओं में होता है। ठीक है, जो शिशु 1 वर्ष से अधिक आयु के हैं अगर उनमें प्रोटीन की अल्पता होती है तो निश्चित ही वो ना क्वाशियोरकर का शिकार हो जाएगा। तो अब हम सभी लोग जो है दोनों प्रकार के कुपोषण में मरास्मस और क्वाशियोरकर के जो है ना लक्षण को जानेंगे कि अगर जो है जो शिशु होते हैं इन कुपोषण से अगर जो है प्रभावित होते हैं तो किस प्रकार के उनमें लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मरास्मस से। तो कह रहा है कि शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है। अगर मरास्मस से जो है ग्रसित है बच्चा, 1 वर्ष की आयु से कम वाला बच्चा, तो क्या हो रहा है कि शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी? मंद हो जाती है, धीरे धीरे होने लगती है। हाथ पैर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है, त्वचा ड्राई हो जाती है और झुर्रीदार भी हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो और भी है लक्षण। मानसिक क्षमता असंतुलित हो जाता है, उनका जो मानसिक क्षमता है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। सो आइए क्वाशियोरकर के जो है लक्षण को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि मांसपेशियां लटक जाती हैं, हाथ पैर क्या होते हैं इनके जो है पतले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पे मरास्मस में भी था, मस्तिष्क का जो वृद्धि है वो भी क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है ना। मस्तिष्क की जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, वो भी जो है इसमें असंतुलित हो जाती है ना। इसमें शरीर का विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। और इस तरह से जो है, जो एक बिल्कुल अलग अंतर है जो ना क्वाशियोरकर को मरास्मस से अलग करता है वो क्या है कि त्वचा के नीचे जो है कुछ शेष वसा रह जाती है। इसमें क्या है ना कि त्वचा के नीचे जो है कुछ शेष वसा रह जाती है जो कि मरास्मस में इस तरह का जो है सिम्टम नहीं आता है। ठीक है, अब आइए जो है हम लोग जो है लास्ट अंतर पे चलते हैं कि शिशुओं को माँ के दूध के स्थान पर अल्प, ठीक है, प्रोटीन, अल्प कैलोरी, कम कैलोरी की वजह से जो है मरास्मस जैसा
ना गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाता है शिशुओं को जो है माँ के जो है दूध के स्थान पर। एक वर्ष से कम की आयु का शिशु है और उसको जो है माँ के दूध की जगह पे जो है जो आहार मिल रहा है उस आहार में भी जो है ना एक तो माँ का दूध नहीं मिल रहा है और दूसरे जो आहार मिल रहा है उस आहार में अल्प प्रोटीन है अल्प कैलोरी है जिससे जो है निश्चित ही वो बच्चा क्या हो जाएगा मरास्मस का शिकार हो जाएगा। अगर देखा जाए तो शिशु को माँ के दूध के स्थान पर जो है उच्च कैलोरी कैलोरी तो उच्च है लेकिन जो प्रोटीन है वो क्या है अल्प है। तो इस तरह से जो है निश्चित ही जो है बच्चा क्वाशियोर का जैसे कुपोषण का शिकार। इस तरह से आप सभी लोग जो है कुपोषण के बारे में जाने कुपोषण के जो मैरास्मस और क्वाशियोर का प्रकार है उनके बारे में आप सभी लोग जाने। सो अगर हमारी जो है वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग जो है लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जो भी जो है हमारे बच्चे नए हैं नए साथी हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो बहुत ही धन्यवाद।